वो भाई ऊपर भी कितना बड़ा है। डुप्लीकेट जंगल बना रखा है पूरा। देखो भाई कैसा लग रहा है, देखो रावण। तो कौन कौन बना है सब, क्या क्या है, कौन कौन सब राक्षस है, सब राक्षस है यहाँ पे। रिसेंटली शूट हुआ सबका, तो ये देखो भाई इसमें शूट हो रहा था सब कुछ, ये बन रहा था और ये सब डुप्लीकेट है। ओ भाई एंड गाइस यहाँ पे शूट हो रहा था सब, ये देखो ये सब डुप्लीकेट है। तो भाई रामायण का शूट कैसे करते हैं वो सब देखा भाई, बहुत ही मस्त बनाया हुआ है। और ये सब कैसे बनाते होंगे, ये सब क्रिएटिविटी तो देखो। और इसमें देखो प्योर, ओ ये सब कैमरे हैं यहाँ के, बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करते हैं ये सब मेरे लायक है, बट पता नहीं हम तो कब यहाँ पे पहुँच पाएंगे। बट भाई कितना ये सब आर्टिफिशियल है गाइस। तो गाइस आपको ये बड़े बड़े पत्थर लग रहे होंगे, बट गाइस देखो कुछ है ही नहीं इसमें, ये सब जो आता है ना थर्मोकोल आता है ना, वो थर्मोकोल से सब कुछ बना हुआ है। और गाइस ये सब देखो ये सब डुप्लीकेट है, देखो ये सब डुप्लीकेट है। तो ये है, ऐसे होती है गाइस रामायण की शूटिंग। और यहाँ पे भी पता नहीं कौन सी थीम लगाई हुई है, हमको वो जब शूट करे तब हमको मौका नहीं मिला देखने का। और ये सब तो गाइस मैंने पहली बार देखा, ये सब है गाइस बहुत ही मस्त मस्त है, मज़ा आ गया देख के। गजब का लग रहा है अभी, कहाँ पे धूप कहाँ पे छा वो सब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा माइंड तो ये सब देखने में ही जा रहा है कि भाई ये सब कैसे बनाया होगा। राजमहल टाइप है, क्या बनाया है भाई, गजब का बनाया है। गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ, बट गाइस मुझे ये सीखने को मिला कि हम लोग जो स्ट्रगल करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन लोगों की हम लोग स्ट्रगल देखते हैं ना भाई, रात दिन एक कर देते हैं। अभी दोपहर का टाइम है, अभी 2:30 या 3 बजे ये सब लोग खाना खा रहे हैं, कितना मतलब स्ट्रगल है इसमें। गाइज एक और लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ एंड गाइज ये देखो कितना मस्त किया गया है भाई, ओ भाई क्या मस्त किया गया है भाई, मेरा तो दिन बन गया यहाँ पे आके। ऊपर तो वो सब है और यहाँ पे देखो भाई और सामने सिंहासन होगा और यहाँ पे सब लोग बैठते होंगे। देखो मिठाइयाँ है, बट मिठाइयाँ कैसी बनी हुई है देखो, मतलब ये थर्मोकोल की बनी हुई है। तो ये सब है गाइस, जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो तो कुछ भी कर सकते हैं गाइस। कितनी बिजी शेड्यूल है हम लोग, यहाँ पे रिसेंटली शूट हो रहा था तो अभी पूरा हुआ, अभी लंच टाइम चल रहा है। ये देखो भाई ये सब खा रहा है और सामने डायरेक्टर साहब बैठा है। और ओ भाई यहाँ पे तो गाइस लाइव रामायण का ही शूट चल रहा है, तो अभी कौन सी रामायण है वो सब कैसा है क्या है पूछेंगे, और उसके बाद हम लोग भी देखेंगे कि यहाँ पे कैसा शूट होता है। चलो शूट स्टार्ट हो रहा है एंड गाइस वो बड़े बड़े कैमरे देखो, कितने बड़े बड़े कैमरा है भाई। चलो ये सब स्टार्ट हो गया भाई और यहाँ पे ये सब देखो सब कुछ। ये राम लक्ष्मण है गाइस, ये देखिए गाइस आपके, तो हम लोग फोटो भी खिंचवाएंगे और सब कुछ करेंगे।
टाइम होता है ना, अभी जैसे हम लोग रामानंद सागर की जब रामायण चल रही थी, टाइम की दौर की बात है। हाँ हाँ, कि जैसे किसी आर्टिस्ट को तीर लगाना है, ओके तीर लगेगा, हाँ हाँ, तब तो क्या है सीजी चल गई। हाँ, ऐसा करते हैं, तीर थोड़ी लगाते हैं, तीर सीजी से लगता है, ओके, और सामने वाले को जाके भी लग जाएगा बराबर सीजी से। वो टाइम कैसा था कि हम लोग ये पेड़ से लेकर उस पेड़ तक तंगूस बांधते थे। अच्छा, धागा, वो धागा होता ना व्हाइट धागा, अच्छा वो कैमरे में उसके अंदर ऐसा लोक लगा के तीर जो फिर उस तीर को यहाँ से टक्कर मारते थे कि वहाँ तक जाएगी। ओ भाई, कैमरे से डायरेक्ट, कैमरे से डायरेक्ट वो करे ऐसा सा। और जो वो दो तीर वो पीटते थे आपस में, वो कैसे आप लोग मतलब करते थे? सब सीजी कंप्यूटर से, वो सब कंप्यूटर में, वो एक तीर गुम हो जाता था, वो लापता हो जाता, वो कैसे होता था? वो भी सब सीजी से था। एक्चुअली ऐसा होता है कि एक बार जैसे हमने ये लकड़ी ऐसा खाली हाथ देख लिया, देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मेरा खाली हाथ है ना, ओके हाँ, आप कैमरे को पुश कर दो, हाँ लॉक कर दिया, फिर ये रख दो, फिर ये कर देना, फिर वापस आ लूंगा, ओके चलो दादा ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे शूट हो रहा है क्या? यहाँ पे तो शूट हो रहा है। तो गाइस शिव शक्ति करके ये शो आता है, उसका अभी शूट चल रहा है। ये देखिए गाइस, हाँ शिव शक्ति, हाँ शो आता है ना। सो गाइस हमने सारा स्टूडियो घूम लिया, बहुत ही मजा आया गाइस, बहुत कुछ जाने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला जो हमें आज तक पता ही नहीं था, कैसे शूट होता है, कैसे मतलब ये टेक लिए जाते हैं और कितने बड़े बड़े कैमरे होते हैं, वो सब हमने आज रियल में देखा भाई, मज़ा आ गया देख के। जितना शूट हो पाता था उतना मैंने आपको दिखाया। तो गाइस ये सब था, बहुत ही मज़ा आ गया। एंड गाइस ये था स्वस्तिक स्टूडियो, स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस, तो बहुत ही बड़ा है ये हाउस। तो गाइस अभी हम लोग ये स्टूडियो देख के जा रहे हैं हमारे मेन स्टूडियो जो कि वृंदावन स्टूडियो है। बापूजी काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं इस वृंदावन स्टूडियो को देखने का, बट गाइज अभी ये स्टूडियो देख के तो बहुत ही मुझे मजा आ गया। यहाँ पे कितनी स्ट्रगल करते हैं ये लोग गाइज, बहुत ही मेहनत करते हैं ये लोग, ऐसे ही ये सीरियल वगैरह नहीं बनती, ऐसे ही सब कुछ नहीं बनता, बहुत ही मेहनत होती है यहाँ पे। देखो कितने करोड़ों का खर्चा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग करते हैं स्वस्तिक भूमि को बाय बाय और हमारी XL6 लेके हम चलते हैं वृंदावन स्टूडियो। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखे गाइज वृंदावन स्टूडियो। तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग स्वस्तिक स्टूडियो से यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। गाइज जो रामानंद सागर की रामायण है वो यहाँ पे शूट हुई थी, और गाइज पीछे ही ये झाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, इसके पीछे ही समंदर है, तो समंदर को भी हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग वृंदावन स्टूडियो का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला है। तो गाइज अभी ये वाला व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड ये वाला स्टूडियो का टूर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक गाइज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं ये वृंदावन स्टूडियो वाले व्लॉग में, एंड अगला व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए बाय बाय।